नमस्कार दोस्तों, मैं सरविन जांगिड। दोस्तों, बैंकॉक करियर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे और इससे पहले वाली क्लास में हमने एक बेस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का, जिसके अंदर हमने एक तो पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला, जब आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं साइन कोस टेन जो भी है, जो छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके साथ में जो एंगल आपको दे रखा है ए प्लस बी, अगर उनका सम अगर 90 डिग्री है तो वहाँ से कुछ डायरेक्ट रिजल्ट बनते हैं उनके ऊपर बेस्ट हमने प्रश्न किए थे। उसके बाद हमने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इसका जो इक्वल है वो दे रखा है सी। तो हमने पढ़ा था कि जैसे यहाँ पर क्या है, साइन का कोफिशेंट, कोफिशेंट का मतलब होता है इसका गुणांक, इसके गुणा में क्या है ए, कोस का कोफिशेंट कितना है बी है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, यहाँ पर साइन के साथ में क्या ए है तो अगली बार क्या करेंगे साइन के साथ में बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कोस के साथ में क्या है बी तो अगली बार क्या करेंगे कोस के साथ में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, क्या करेंगे इनके कोफिशेंट को चेंज कर देंगे, फिर जो साइन है उसको भी चेंज कर देंगे, यहाँ पर प्लस का तो माइनस का, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि चाहे माइनस इसके साथ में लगा दो चाहे माइनस बी साइन थीटा के साथ में लगा दो, क्योंकि मैंने आपको डिराइव करके बताया था यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माना इसके इक्वल कितना है डी है, तो इनके बीच में रिलेशन मैंने आपको बताया था क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। याद आपको ये रखना है कि यहाँ पर जो ए और बी हैं वो साइन थीटा कोस थीटा के कोफिशेंट है और सी और डी हैं वो इनके इक्वल वैल्यू है, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना आपको कि ए और बी क्या है, साइन थीटा कोस थीटा के कोफिशेंट है और इक्वल में क्या है सी और डी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, मैंने आपको इसको डिराइव करके बताया था। क्या किया था हमने, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर किया था, इसके पूरे का स्क्वायर क्या था हमने इसका स्क्वायर किया था, ठीक है। फिर दोनों को हमने ऐड किया था, स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया था। तो इधर से आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस टू, इनको जोड़ दो ए इंटू बी साइन थीटा कोस थीटा, इधर स्क्वायर करोगे तो सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस यहां पर प्लस आया था यहां पर माइनस आया था माइनस टू ए इंटू बी साइन थीटा कोस थीटा। अगर आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है जो कि हमने अलजेब्रा में इससे पहले पढ़ा था तो आप कर सकते हो, इधर से आ जाएगा डी स्क्वायर। फिर दोनों को जोड़ोगे ना तो इधर जो प्लस टू वाला है और नीचे माइनस टू वाला वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास में स्क्वायर वाले फॉर्म बचेगी। तो यहां से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर और यहां से आ जाएगा कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, यहाँ से आपके पास में बचेगा ए स्क्वायर फिर बचेगा बी स्क्वायर और इधर इनको आप ऐड करोगे तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मतलब आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, वहाँ पर मैंने आपको डिराइव करके बताया था और इसके ऊपर काफ़ी पर्सन एसएससी पूछता है। ऐसे ही जब ये साइन कोस वाला है तो ऐसे चेंज भी होता है, जैसे एक होता है सेक थीटा टेन थीटा वाला, कोसेक थीटा कोट थीटा वाला, तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ रहे हैं साइन व कोस वाला, ठीक है। तो अब जो पहला प्रश्न आप देखिए इसी के ऊपर बेस्ड है, क्या दे रखा है, इफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर है 17/13, ये आपको दे रखा है, क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आपको दे रखा है 17/13, जहां पर थीटा है थीटा का मान क्या है ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में कहीं पर यह एग्जिस्ट करता है। देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगी, क्या दे रखा है आपको, यानी आप यूँ समझिए कि यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा है, यहाँ पर साइन किसका प्लस का है, यहाँ पर साइन किसका माइनस का, यानी क्या कर रहा है साइन को चेंज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर साइन थीटा कोएफिशिएंट कितना वन, कोस थीटा कोएफिशिएंट कितना वन है, तो ये इसको इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ए मानते हैं तो ए साइन थीटा कोएफिशिएंट कितना है ए, वो कितना वन है, कोस थीटा कोएफिशिएंट कितना है बी, वो कितना है वन है, ठीक है। यहाँ पर सी बराबर आपको क्या दे रखा है, सी बराबर दे रखा है 17/13, ये सेम वही कंडीशन है, और आपको डी बराबर निकालना है, ये आपको निकालना है, क्या बन गया ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर है सी। तो ए और बी का मान यहाँ पर वन दे रखा है,
दोनों क्या है, ए और बी क्या, वन है। फिर आपसे इसको पूछ लिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यानी कि अगर आपको प्लस का देके माइनस का पूछेगा, माइनस का देके प्लस का पूछेगा, तो आपको ए और बी और सी और डी को मैच करके वैल्यू रखनी है इसमें। फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था कि ए और बी क्या है, साइन थीटा कोस थीटा के कोफिशेंट है। तो ए और बी क्या होंगे, साइन थीटा कोस थीटा के कोफिशेंट बताओ कितने, वन वन है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वन, और इसका स्क्वायर भी करेंगे तो वन आएगा। सी स्क्वायर यानी 17/13 का स्क्वायर, तो 289 अपॉन में आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169, और प्लस में डी स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका मान तो दे नहीं रखा, इसका मान तो निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 2। ये प्लस का इधर जाएगा, इसका जो माइनस का 289 अपॉन में 169, और कितना हो जाएगा डी स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा, 169 आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 338 माइनस 289। अब बस आपको सिंपली आप इसको कैलकुलेट करना है, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर। तो अब आपके पास में यहाँ पर d बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर रूट में आ जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा, तो 338 में से माइनस करेंगे 289 कितना आएगा, 11 और ये 38, 49 49, ये आएगा 49, और अपॉन कितना आ जाएगा, 169 है। तो जब इसका रूट हटाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 13, यानी आपके पास में जो d का मान आएगा वो 7/13 आ जाएगा, 7/13। ये तो था इसका शॉर्ट ट्रिक तरीका। एक और तरीका बताऊँगा आपको मैं, वो भी आप लगा सकते हो, एक बार इसको आप नोट डाउन कर ले, इसका आंसर आएगा 7/13। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ये हम पढ़ चुके थे पहले, और ये ट्रिक है ना, आप याद रखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये अप्लाई कहाँ पर करनी है वो मैंने आपको बता दिया था। हालांकि आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन आप फिर वो वही बात है कि आपको स्क्वायर वगैरह करना पड़ेगा। अगर आप ये ट्रिक नहीं लगाना चाहो तो आप डायरेक्ट क्या कर दो, इसका स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो। माना यहाँ पर कितना एक्स है और हमें एक्स का मान निकालना है, तो सेम वही तरीका हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, पर एक बार प्लस में आ जाएगा 2 sin थीटा कोस थीटा इक्वल, इसका स्क्वायर करो तो 289 अपॉन में आ जाएगा 169, यह आ जाएगा 289 अपॉन में आ जाएगा 169। इधर इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा सेम जैसे, बस माइनस आएगा और कुछ नहीं आएगा, और माइनस कहाँ लगता है, जहाँ पर वो 2 आता है, बाकी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मान हमने माना था एक्स, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब इनको ऐड करेंगे तो प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, इसका मान बताओ कितना होता है 1, इसका मान बताओ कितना होता है 1, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इधर हमारे पास में कितना आएगा, ये सेम कंडीशन हमने पहले पढ़ ली थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 यहाँ पर आ गया, इधर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ये चीज़ तो हमने पढ़ ली थी, इसको हमने सोल्व किया था, तो यहाँ से हमारे पास में ये कंडीशन बनी थी, यहाँ से बना था 289 अपॉन में आया था 169 प्लस इधर एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा, सेम वही कंडीशन बन जाएगी। तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको डायरेक्ट वैसे ही करना है। ये हम एग्जांपल पहले कर चुके थे, एक एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं इसमें। इसमें एक प्रश्न और कर लेते हैं हम, सेम ऐसा ही, इफ 3 cos theta + 4 sin theta = 5, देन फाइंड। अब क्या करेंगे, नहीं कोफिशिएंट चेंज कर दो आप, यहाँ पर cos theta के साथ में क्या है 3 है, तो इसको आप चेंज कर दो, तो आप इस बार क्या ले आओ, यहाँ पर cos theta के साथ में 4 ले आओ, इसका साइन चेंज कर दो, प्लस का तो माइनस का कर दो। अब sin theta के साथ में क्या है 4 है, तो इस यहाँ पर 3 ले लो, और बताओ इसके बराबर क्या होगा। तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, साइन प्लस का देके माइनस का पूछेगा, या फिर माइनस का देके प्लस का पूछेगा, कोस थीटा साइन थीटा कोफिशिएंट को आपस में चेंज कर देगा। तो हमें तो याद ये रखना है कि जो इनके कोफिशिएंट होते हैं वो ए और बी होते हैं, आप ए किसी को मान लो बी किसी को मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए और बी हो जाएंगी, ठीक है। इसके इक्वल पे जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, सी होती है, फिर यहाँ पर इक्वल में जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, डी होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर चार का स्क्वायर इक्वल होता है सी स्क्वायर यानी पाँच का स्क्वायर प्लस क्या होता है डी स्क्वायर यानी ये हमें निकालना है। तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 प्लस डी स्क्वायर, तो ऐसे डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा जीरो, तो डी बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो डी का मान ऐसे कितना आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो इसका जो मान आपके पास में कितना आएगा जीरो। और क्या ये पॉसिबल है क्या, ये पॉसिबल है क्योंकि हमने पढ़ा भी था ये चीज़ हमने पढ़ी भी थी कि जब हमें तीन कोस थीटा प्लस चार साइन थीटा बराबर अगर हमें 5 दे रखा है, यानी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अगर सी है जहाँ पर ए बी सी ट्रिपलेट होते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि इसका मान क्या रखते हैं। अगर आपको देखो कॉन्सेप्ट पता है तो आप उनको यूज करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इसके अंदर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास में कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैंने आपको बताया था कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/5। यहाँ से आपके पास में साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/5। अगर आपने पहले वाले क्लास देखे तो ये समझ में आएगा। और कोस के साथ में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हमेशा ये बेस होगा और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होता है हाइपोटेनस होता है। 3, 4, 5 क्या होते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, तो यहाँ पर कोस थीटा का मान 3/5 आ जाएगा, साइन थीटा का मान 4/5 आ जाएगा। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे इसकी, अगर आप इसमें इसकी वैल्यू पुट करो तो आप चेक कर सकते हो 4 कोस थीटा, कोस थीटा का मान कितना है 3/5 माइनस 3 साइन थीटा का मान कितना है 4/5, तो यहाँ से 5 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर कितना है 4 × 12 माइनस 4 × 12 यानी इसका आंसर कितना आएगा 0 ही आएगा। और यहाँ से हमने इसको निकाला कितना आया 0 ही आया। बस आपको वैसे तो मैंने आपको ये बता दिया बेसिक, इसको प्रूव करने के लिए इसको आपको यूज नहीं करना है, ना ही आपको इसको यूज करना है। आप तो बस इस वाले फॉर्मूले को याद रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए और बी क्या क्या चीज़ें होती है वो आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इसमें आगे प्रश्न सोल्व कीजिए, आप क्या दे रखा इफ साइन 17 डिग्री बराबर दे रखा x/y देन सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री बराबर क्या होगा, क्या दे रखा आपको साइन 17 डिग्री की वैल्यू दे रखी है x/y है, सेक 17 डिग्री और माइनस साइन 73 डिग्री का मान आपसे पूछा है, कैसे करेंगे इसको। देखिए हमने क्वाड्रेंट्स पढ़े थे चतुर्थांश, वहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल भी सोल्व किए थे, लेकिन क्वाड्रेंट्स का डायरेक्ट रिजल्ट कम पूछा जाता है, इस प्रकार से इक्वेशन में पूछ लेते हैं हमसे। जैसे यहाँ पर ये क्वाड्रेंट्स वाला जो मैंने पढ़ा था वही लागू होगा। यहाँ पर हमें वैल्यू किसकी दे रखी है साइन 17 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, यानी आपके पास में वैल्यू किसकी है 17 डिग्री की वैल्यू है, आपके पास में वैल्यू किसकी है 17 डिग्री की वैल्यू है। तो आप या तो फिर ये करो कि आप क्या करोगे इसमें 73 डिग्री को 17 में बदल लो, एक तरीका तो उसका यह है। और ऐसे नहीं करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई थी, वहाँ से अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है तो आप कर सकते हो। क्या दे रखा है हमें, दे रखा है कि ये साइन 17 डिग्री बराबर x/y है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री इज मोस्ट एसोसिएटेड विद राइट एंगल ट्राइंगल, कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या आता है राइट एंगल ट्राइंगल ही दिया जाता है, और बाय चांस अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं दिया जाता तो हम किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर डालकर उसको राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक एंगल तो हो जाएगा 90 डिग्री, एक एंगल आपको कितना दे रखा है 17 डिग्री दे रखा है, कितना दे रखा है 17 डिग्री दे रखा है, तो बताइए कि ये एंगल कितने का होगा, ये 73 का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का यह कितना होता है 180 होता है, तो ये 73 है 73 उसमें ऐड करेंगे 17 तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, और ये एंगल ऑलरेडी कितना है 90 है। साइन थीटा बराबर x/y बताओ, साइन बराबर कितना होता है, साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो यहाँ पर आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी, ये तो आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। बताओ परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है जो एंगल आपको दे रखा है उसके ऑपोजिट साइड, एंगल आपको दे रखा 17 17 के ऑपोजिट साइड आपकी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी ये क्या आपके पास में क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा एक्स। हाइपोटेनस क्या होता है 90 डिग्री के ऑपोजिट, तो ये हो जाएगा वाई हो जाएगा, तो ये आपके पास में वाई है ये एक्स है, तो बताओ ये आपके पास में क्या हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आपका बेस हो जाएगा। यही तो है, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अब आपके पास में सारी वैल्यू आ गई, आपसे पूछा सेक 17 तो बताओ सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी बार बार चीज़ें, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोलिए या फिर लाल बटे क
कक्का, जो भी आप हिंदी इंग्लिश में इसको आप याद रखें। सेक बराबर क्या होता है? सेक बराबर होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। सेक 17 डिग्री, 17 डिग्री के लिए बताइए कि हाइपोटेनस क्या होगा। हाइपोटेनस में हमेशा क्या होगा? वाई होगा अपॉन बेस। बताओ 17 डिग्री के लिए बेस क्या होगा? 17 डिग्री के लिए बेस होगा ये वाला, क्योंकि 17 डिग्री सामने तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसके यहाँ पर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन 73 डिग्री। साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो 73 के लिए बताइए कि 73 के लिए इसके अंदर परपेंडिकुलर क्या होगा? जो एंगल पूछा उसके ऑपोजिट साइड, तो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस में क्या होगा? वाई होगा। बस आपको इसको सिंपली सॉल्व करना है। अगर आप चाहो तो इसको 73 को बदल लो, किसमें? 17 में बदल सकते हैं, वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उससे भी आप कर सकते हो अगर आप उससे करना चाहो तो। तो यहाँ पर आपके पास में एलसीएम हो जाएगा वाई और अंडर रूट में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में ये कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा तो ऊपर आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ से ये वाई कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये बचेगा, तो इसका रूट हट जाएगा तो आपके पास में आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी सिंपली आपको इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। इसके अंदर आप भाग दोगे इससे तो ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा। इसको मल्टीप्लाई करते ऊपर वाले से तो वाई स्क्वायर, इसमें फिर भाग देंगे वाई से तो वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा। ये आपके पास में ऑलरेडी ऊपर मौजूद है रूट में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में इसका रूट हट जाएगा, ये वाला आ जाएगा। तो माइनस का साइन है तो कैंसिल हो जाएगा और ये साइन इसका चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में आपके पास में आ जाएगा वाई और अंदर क्या है अंडर रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन कर ले। ये प्रश्न एसएससी के द्वारा पूछा गया है, इसको आप नोट डाउन करें। और ये ऐसे एग्जांपल हम पहले कर भी चुके हैं। ठीक है। तो और अगर आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एक तरीका तो मैंने आपको यह बता दिया, दूसरा तरीका अगर आप करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हमारे पास में केवल 17 डिग्री की वैल्यू है तो क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को 17 में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 73 है तो बताओ मैं 73 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 73 को लिख सकता हूँ 90 - 17। लिख सकता हूँ क्या? 90 क्या चेंजर लाइन है तो साइन चेंज हो जाएगा कोस में कोस, और क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव आएगा तो आ जाएगा 17 डिग्री। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोस 17 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा सेक 17 डिग्री माइनस कोस 17 डिग्री। तो फिर ऐसे करो आप, इससे सेम वैल्यू होगी। तो यहाँ से आप इसको करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो आप। अगर यहाँ से करना चाहो तो यहाँ फिर आपको करना पड़ेगा 1/cos 17। ये उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा तो ऊपर आपके पास में आ जाएगा ये वाली वैल्यू अपॉन में आ जाएगा कोस 17। इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर 17 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा? कोस 17। और कोस 17 को क्या लिखूंगा? 1 - sin² यानी आपको जिसकी वैल्यू दे रखी है उस पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको सिर्फ एक में कन्वर्ट करना है। जो आपको पर्सन में दिया गया है उस पूरे को एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदलो, किसी भी एक में जो आपको वैल्यू दे रखी है। जैसे साइन की वैल्यू दे रखी है 17 डिग्री की, तो पूरे फंक्शन को आप पूरे जो दे रखे हैं साइन कोस जो भी एंगल है उसको सेम एंगल और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बदल लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सब को क्या बदला? साइन के फॉर्म में बदल लिया और एंगल क्या ले लिया? 17 डिग्री ले लिया। अगर यहाँ पर हमें देता है 10 - 17 डिग्री तो कोशिश ये करो कि 10 में बदल लो। इसको बहुत सारे तरीके होते हैं करने के, तो आप ऐसे करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपके पास में इसकी वैल्यू दे रखी है तो आप ये वाली वैल्यू उसमें पुट कर दो तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ से भी सेम आंसर आएगा। तो यहाँ से हम इसको करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, यानी इसका स्क्वायर तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर एल सी में जाएगा तो आपके पास में ऊपर तो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये अंडर रूट, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और इस वाई स्क्वायर को रूट से बाहर निकालो तो क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। और ये वाला वाई ऊपर वाले वाई से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में यहाँ पर वाई आ जाएगा और ऊपर आपके पास में क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर ही बचेगा। और ये चीज़ हमने पढ़ी थी, एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यानी हमने क्या किया? बस इसको सिंपली सॉल्व किया है। अगला प्रश्न देखिए इसके अंदर, इफ एक्स बराबर आपको दे रखा है कोसेक 39 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ, अब इस वाले
एक्सप्रेशन का आपको मान निकालना है, 1/cosec² 51° प्लस sin² 39° प्लस tan² 51° माइनस 1/sin² 51° इंटू sec² 39°। अब आप इसको कैसे करना चाहते हो, या तो मैंने आपको जो बताया था जो राइट एंगल ट्रायंगल बना के वहाँ से कर सकते हो, लेकिन वहाँ से आपके पास में उनकी वैल्यू होनी चाहिए। किसकी वैल्यू होनी चाहिए, देखिए साइन को क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो अगर आप पता है तो आप उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपको बताता हूँ मैं, या फिर आप इसको चेंज करके लिखो। हमारे पास में वैल्यू किसकी है, 39 की है, तो इसको भी 39 में कन्वर्ट करो, ये 39 में ऑलरेडी है, इसको भी 39 में कन्वर्ट करो और इसको भी 39 में कन्वर्ट करो। एक तरीका ये है इसके, उसको इस ऐसे भी कर सकते हैं हम। चलो हम 39 में कन्वर्ट करते हैं इसको, इसको हम 39 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 - 39। 51 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 - 39 लिख सकता हूँ क्या, और ये 90 - cosec 90 - 39 और 90 क्या चेंजर लाइन है, तो बताओ cosec किस में चेंज होगा, sec के अंदर होगा, तो क्या आ जाएगा sec² 39। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं 1/sec² 39 लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम क्वाड्रेंट्स में पढ़ चुके हैं कैसे चेंज करते हैं। ये आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है, 39° दे रखा है, तो इसको आप ऑलरेडी ऐसे लिख लो। अभी आपको क्या दे रखा है, 51 दे रखा है, तो ये आपको दे रखा है 10² 51 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 39 लिख सकते हैं क्या, कितना होगा इसका, 51 ही होगा, और हमारे पास में 39 की वैल्यू दे रखी है, इसलिए हम इसको 39 में कन्वर्ट कर लेंगे। ये चेंजर लाइन है, बताओ 10 किस में चेंज होगा, कोट में, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा नहीं, कोट स्क्वायर 39 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस कोट स्क्वायर 39° माइनस 1/ ये ऑलरेडी दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे कैसा लिख दूंगा 39°। इसको चेंज करना है sin² 51 को, तो 90 - 39 साइन किस में चेंज होगा, कोस में, तो ये आ जाएगा cos² 39। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई, इसको आप क्या ले सकते हो, 1/sec² θ, ये क्या होता है, रिवर्स होता है किसका, कोस का, तो ऊपर जाके बन जाएगा cos² 39। तो यहां से आपके पास में ये आ जाएगा cos² 39° प्लस ये हो जाएगा sin² 39°। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ ये लिख लिख के, तो इसमें टाइम लग रहा है, बाकी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपको डायरेक्ट पता है यहाँ से कोस स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 39 माइनस, अब यहाँ से आप देखिए आपके पास में 1/ में है ये वाली वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं भैया, दोनों सेम डिग्री हैं, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पर पढ़ी थी हमने पढ़ा था, जो कोस थीटा होता है वो, ये इसका रिवर्स क्या होता है, सेक थीटा होता है, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। शर्त ये है कि इनका जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, ये हमने पहली क्लास में सीख लिया था। तो बताओ यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, 1/1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मान हमारे पास में कितना है बताइए, इसका मान हमारे पास में आएगा 1 प्लस, और ये आ जाएगा कोट स्क्वायर 39 माइनस 1 है। हमारे पास में वैल्यू किसके, x बराबर है cosec। अब इनके बीच में कोई रिलेशन होता है क्या, एक सर्वसमिक हमने पढ़ी थी, कौन सी सर्वसमिक पढ़ी थी, कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec² θ। ये सर्वसमिक हमने पढ़ी थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec² θ। तो इसका मान हमारे पास में क्या आ जाएगा, इसका मान हमारे पास में आ जाएगा cosec² θ, यानी cosec², इसका मान मैं लिख सकता हूँ, इसका मान मैं लिख सकता हूँ cosec² 39 माइनस 1, और इसका मान आपको कितना दे रखा है, x दे रखा है, तो यानी ये हो जाएगा x² - 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास में वैल्यू किसकी थी, 39 की थी, तो सारे एंगल को हमने 39 में कन्वर्ट कर लिया चतुर्थांश का प्रयोग करते हुए। 51 है तो उसको लिखा 90 - 39, चेंजर लाइन है, cos sec चेंज हो गया sec में, ऐसे लिखा, ये ऑलरेडी था, इसको चेंज कर दिया 10 को कोट में 39, इसको चेंज कर दिया साइन को कोसेक में। अब इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है ये 1 होता है, ये हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो cos² θ प्लस sin² θ, इस ये क्या है सर्वसमिक का, 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से ऐसे कैसे लिखा, और इसका जो मान हमारे पास में आया था वो माइनस का 1 आया था। ये एक सर्वसमिक का 1 प्लस cot² θ बराबर होता है cosec² θ है, तो यहाँ पर एंगल 39 है तो 39 आ गया। इसका मान आपको दे रखा x है, और यहाँ पर क्या स्क्वायर में, ये स्क्वायर में, तो x स्क्वायर कर देंगे, ये फाइनल रिजल्ट आपके पास में आ गया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, अब आगे दोस्तों इसमें हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो sec थीटा और tan थीटा से संबंधित हैं। हमने सर्वसमिका पढ़ी थी वो कितनी थी, जो
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी हमने, सर्व समीकरण पढ़ी थी वो तीन थी, और उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, एक हमने पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर था सेक स्क्वायर थीटा, और एक हमने पढ़ा था वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी, और ये जो टाइप हम पढ़ रहे हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक हमने पढ़ लिया ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी वाला पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे सेक थीटा व टेन थीटा वाले। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पर तो क्या था, यहाँ पर ये था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर वन है, तो इसलिए हमने क्या किया था, इससे पहले वाले जो प्रश्न थे वहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन को प्लस किया था, दोनों इक्वेशन को क्या किया था, प्लस किया था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर आएगा वन आएगा, यानी इस बार यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, इस बार यहाँ पर साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा। तो इस बार दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सर्व समीकरण अप्लाई करनी है, और सर्व समीकरण में रिजल्ट क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन है, और ये तभी पॉसिबल है जब आप यहाँ पर माइनस करोगे। सेम ऐसा इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, वन होगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब मैं आपको समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगा आसानी से। देखिए ये डायरेक्ट रिजल्ट है, ये आप याद करते हो तो आपके लिए अच्छा रहता है, बाकी आप इनको बेसिक से करना चाहो तो बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर एक्स है, तो ए टेन थीटा माइनस बी सेक थीटा बराबर वाई है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ए बी और एक्स वाई के बीच में। यहाँ पर क्या है, इसमें साइन अगर माइनस का है तो माइनस का आएगा, इसमें माइनस का है तो माइनस का, इसमें साइन चेंज नहीं होता है। इसमें चेंज क्या होगा, सेक थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या ए है, तो यहाँ पर सेक थीटा का कोएफिशिएंट क्या होगा, बी होगा, यानी आपस में चेंज हो गए। यहाँ पर टेन थीटा का कोएफिशिएंट क्या है, बी, तो यहाँ पर टेन थीटा का कोएफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, यानी इनके सेक थीटा व टेन थीटा के जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, बस उनको चेंज किया है, साइन को चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। सेम ऐसा इधर है, ए कोसेक थीटा का कोएफिशिएंट कितना ए है, यहाँ पर कोसेक थीटा का कोएफिशिएंट कितना बी है, आपस में चेंज कर दिया, कोट थीटा कितना बी है, तो यहाँ पर कोट थीटा कितना ए है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होता है, और यहाँ पर भी इक्वल में कितना एक्स इंटू वाई है, एक्स और वाई है, सॉरी इक्वल वो एक्स इंटू नहीं है, एक्स और वाई है, तो ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये इसका दोनों का रिजल्ट होता है। मैं आपको थोड़ा सा डिराइव करके बता देता हूँ कि कैसे होता है, फिर एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस, स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस का है तो माइनस में टू ए इंटू बी सेक थीटा और टेन थीटा, और इसका स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास में आ जाएगा। इसका मैं जब स्क्वायर करूँगा तो मेरे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में तो माइनस का टू ए इंटू बी, और ये सेक थीटा और टेन थीटा, और इक्वल में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस का है, माइनस का है, ठीक है, तो ये तो प्लस का फोर हो जाएगा, माइनस का फोर हो जाएगा, ये तो ऐड हो जाएगा, और हमें तो इसको हटाना है, इसको तो हमें रिमूव ही करना है। दूसरी बात, हमारा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर वो माइनस में आना चाहिए, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों इक्वेशन को क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, तो माइनस किया जाएगा तो इसका जो साइन है वो माइनस में हो जाएगा, इसका साइन माइनस में हो जाएगा, इसका साइन कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, हमें ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन माइनस करनी है, तो आपके पास में यहाँ पर फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे ये, तो बताओ यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बताओ अंदर कितना बचा, ये प्लस का है सेक स्क्वायर थीटा, नीचे वाली इक्वेशन माइनस में किए तो ये माइनस में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, फिर यहाँ पर ये प्लस का, यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो बताओ यहाँ पर क्या आया, टेन स्क्वायर थीटा है, कितना आया टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में किया है तो ये माइनस में सेक स्क्वायर थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर कितना आया एक्स स्क्वायर, और ये हमने माइनस किया तो वाई स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, वन होता है, इसका मान कितना होता है वन, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ठीक है।
और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, यहां पर उल्टा दे रखा है, यहां पर दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो बताओ इसके बराबर क्या होता है, माइनस का वन होता है, इसके बराबर क्या होगा, माइनस का वन होगा। हमने अब तक ये पढ़ा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन होता है, तो यहां पर ये इसका उल्टा दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा को पॉजिटिव ले लिया, सेक स्क्वायर थीटा को नेगेटिव ले लिया, तो इसका मान इस बार क्या हो जाएगा, माइनस का वन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का वन। तो इसका मान हमारे पास में क्या है, माइनस का वन आया है, इसका मान हमारे पास में क्या था, प्लस का वन। इससे मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल यहाँ पर क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यही चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो, कि जब ये कंडीशन दे रखी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। और सेम ऐसा ही जैसे हमने इसका स्क्वायर करके माइनस किया, सेम ऐसा ही आप इन दोनों का स्क्वायर करके माइनस करोगे, तो इस बार आपके पास में जो आइडेंटिटीज लगेगी वो लगेगी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन, यानी तीसरी सर्वसमिका। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। देखिए हम टाइप वाइज पढ़ रहे हैं, तो कोई भी टाइप हम छोड़ेंगे नहीं इसके अंदर, सारे टाइप हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उस पर हम लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे होता है। तो यानी यहां पर आपको बस याद ये रखना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। चीज आपको याद ये रखनी है कि यहां पर ए और बी क्या है, ये सेक थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा के क्या हैं, कोफिशेंट है। और एक्स और वाई क्या है, इनके इक्वल में मान है, इनके इक्वल में मान है, ठीक है। बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है इसके अंदर कि जैसे सेक वाला है तो यहाँ पर जो सेक वाला अगर पॉजिटिव है तो इसके ऑपोजिट वाला भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर सेक वाला नेगेटिव है तो इसके इक्वल में जो आएगा ना वो नेगेटिव में आएगा, बाकी आप इसको निकालोगे तब समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा है, यहां पर सेक क्या क्या है, ए, तो ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहां इक्वल में क्या है इसके एक्स, तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव लिया है। यहां पर सेक का आगे क्या है, ये कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसके इक्वल में जो है ना वाई, वो भी क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। अभी एक प्रश्न है इसके ऊपर बेस्ट है, वो आप ट्राई करो। इफ थ्री कोसेक थीटा माइनस सेवन कोट थीटा बराबर है थ्री, फाइंड थ्री कोट थीटा माइनस सेवन कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न आपको क्या दे रखा है, प्रश्न आपको दे रखा है इसमें कह रहा है कि ये थ्री कोसेक थीटा है और माइनस में कितना सेवन कोट थीटा, इक्वल आपको दे रखा है थ्री दे रखा है। आपसे पूछा है इसमें थ्री कोट थीटा माइनस सेवन कोसेक थीटा का मान आपसे पूछा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर माइनस का साइन है, या इसमें कोसेक और कोट है, इसमें भी क्या है कोसेक और कोट है, बस फर्क क्या है कि कोसेक व कोट के जो कोफिशेंट है उनको आपस में चेंज कर दिया। यहाँ पर इसका कोफिशेंट कितना थ्री है तो यहाँ पर इसका कोफिशेंट कितना होगा सेवन होगा, आपस में चेंज कर दिया, तो इसको मान लेते हम। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इसके अंदर आपको, कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना कि ए और बी किसको माने, तो हम यहाँ पर क्या कोसेक थीटा, इसका ये कोफिशेंट कितना है पॉजिटिव है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर तो कोसेक थीटा का जो कोफिशेंट है वो क्या है नेगेटिव है, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा नेगेटिव उसके, तो इसमें आप क्या करें, जैसे कोसेक थीटा का जो कोफिशेंट पॉजिटिव है उसके इक्वल तो ले लेते हैं एक्स, और कोसेक थीटा का जो कोफिशेंट नेगेटिव है उसके इक्वल ले लेते हैं वाई, ताकि हमारा ये ऐसे कैसा फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करें, और जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझने की कोशिश करें, एक बार फिर से वीडियो को आप दोबारा देख लेना फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोसेक थीटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये होता है, दोबारा समझो कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हमारे पास में होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाले जो दोनों वैल्यू है वो इस साइड में चली जाएंगी तो माइनस में आ जाएगी, तो माइनस में आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव वैल्यू किसकी होती है, सेक स्क्वायर थीटा की और ये कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी इनका मान जो पॉजिटिव होता है उसी को हम, इनका जो कोफिशेंट पॉजिटिव होगा उसी के इक्वल हम एक्स मानेंगे। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का कोफिशेंट कितना पॉजिटिव है तो ये तो हमारा हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो बताओ ये तो हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर इसके अंदर
यहां पर इसके इक्वल कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ए और बी का मान हमारे पास में आ चुका। फॉर्मूला हमारा क्या था, हमारा फॉर्मूला था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना, ए का मान है 3 हो जाएगा 9, माइनस बी का मान कितना 7, तो 7 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 49 इक्वल। एक्स का मान कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस और वाई स्क्वायर, तो इसके अंदर 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा इसमें प्लस माइनस 7। वाई का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7 आ जाएगा ये वाई, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जो वाई का मान आएगा वो प्लस माइनस 7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 7 आ जाएगा। ए और बी किसको मानते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है, और ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आगे देखिए इसके अंदर ये प्लस वाला कॉन्सेप्ट है, ये भी सेम वैसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था ना वो था माइनस वाला, यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वो क्या था, माइनस का। यहाँ पर साइन किसका था, माइनस का। यहाँ पर साइन किसका था, माइनस का। ये भी साइन किसका था, माइनस का। ये भी किसका था, माइनस का। ये सारे कॉन्सेप्ट में फिर से रिवाइज करवा दूंगा आपको अभी, तो एक बार इसको हम नोट डाउन कर लो, फिर मैं रिवाइज करवा दूंगा। यहाँ पर किसका है, प्लस का है। इस बार कितना है, ये प्लस का है, बाकी चीज़ें सेम वही हैं। यहाँ पर सेक थीटा है, टेन थीटा है, सेक थीटा टेन थीटा आपस में चेंज कर दिया। कोएफिशिएंट कितना ए, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना करते हैं बी। टेन का कितना है बी है, तो टेन का यहाँ कितना करते हैं ए कर दिया। लेकिन इसमें साइन को चेंज नहीं किया है, वहाँ पर माइनस माइनस थे तो यहाँ पर प्लस है, तो प्लस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो प्लस का ही है। कोसेक थीटा और कोट थीटा, हमें पता है कि इन दोनों से संबंधित एक सर्वसमिका होती है, इन दोनों से संबंधित भी क्या होती है, एक सर्वसमिका होती है। सेम ऐसा इसमें दे रखा है, यानी इसका इंटरचेंज कर दिया कोएफिशिएंट को। फॉर्मूला वो रिजल्ट हमारा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, सेम वही करना है। सेक थीटा का यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है, यहाँ पर कितना, देखो ए है, सेक थीटा का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है, ए है, और ये इसके इक्वल में कितना है, एक्स है। इधर दूसरे को क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और इधर ही क्या हो जाएगा, ये ए बी, तो चलो इसमें दे रखे हैं, इसमें सेम ही रहेंगे बस एक्स और वाई। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं आपको इसको डिराइव करके भी बता सकता हूँ। एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जब प्लस में दे रखा हो तो कैसे करते हैं। अभी इसमें माइनस में कैसे आएगा, ये माइनस का बी स्क्वायर अब यहाँ पर क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमें क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा करना है, हमें करना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। एक बार समझ लेते हैं इसको, सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं ऊपर वाले का, तो ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू, इनको ऐड कर वो कर देते हैं ए इंटू बी सेक थीटा और ये आ जाएगा टेन थीटा, इक्वल में क्या है एक्स है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का तो प्लस में आएगा, प्लस का तो क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके पास में, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तभी आपके पास में रिजल्ट आएगा। तो यहां से आप ए कॉमन ले लेते, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते, बताओ कितना बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा यहां से आपके पास में बचा है। फिर यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर कॉमन ले लो आप, तो आपके पास ऊपर कितना बचा है, टेन स्क्वायर थीटा बचा है, माइनस में क्या बचा है, सेक स्क्वायर थीटा बचा है। ये एक प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर आपके पास में बचा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब आप देखिए, अभी हमने जाना था कि इसका जो मान होता है वो कितना होता है, माइनस का 1 होता है, इसका मान कितना होता है, प्लस का 1 होता है। तो आप रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख रखी है। दोस्तों ये जो एग्जांपल है ये उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ट है जो अभी हमने सीखा है। क्या दे रखा आपको, इफ 4 कोसेक थीटा प्लस 5 कोट थीटा बराबर दे रखा 7 है, देन फाइंड 5 कोसेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा बराबर क्या होगा।
तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, आप देखिए इसमें क्या दे रखा है, प्लस का साइन है तो प्लस का ही पूछेगा, अगर माइनस का तो माइनस का। किसमें? जब आपको सेक कोट या फिर कोसेक व कोट दे रखे हूँ। टेन ये छः वो सॉरी तीन सर्वसमिकाई हैं, तो एक तो इसमें साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा वाली है वो अलग थी, फिर दो हमने पढ़ी थी टेन सेक और कोसेक व कोट वाली, तो उनके अंदर साइन सेम रहेगा, प्लस है तो प्लस है माइनस है तो माइनस है। कोसेक थीटा कोपिशन कितना है यहाँ पर? फोर है, तो यहाँ पर कोसेक थीटा कोपिशन कितना है? फाइव है। यहाँ पर कोट थीटा का कोपिशन कितना है? फाइव है, तो यहाँ पर कितना? फोर, यानी आपस में चेंज कर दिए गए हैं। इसका मान आपको सात दे रखा था। और फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम ए बी एक्स वाई मानेंगे किसको? क्योंकि तो माइनस में जा रहा है, अगर प्लस प्लस होता ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तब कोई दिक्कत नहीं थी, ए इसको मान लेते बी इसको मान लेते हमें पता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर तो माइनस करना है तो यहाँ तो फर्क पड़ेगा। तो कैसे मानेंगे इसको? तो देखिए मैंने आपको इसमें बताया था कि आपको सर्वसम्मिति का अगर आपको याद है तो आप कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आता है? वन आता है। अगर आपको ये चीज़ याद है, और हमने एक पढ़ा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर वन है, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो सेक स्क्वायर वाला है वो तो आपको पॉजिटिव में लेना है, और जो टेन वाला आएगा वो नेगेटिव में आएगा, तभी ऐसे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अगर इसका बी है तो बी स्क्वायर वाला, ये ए स्क्वायर वाला, यानी सेक स्क्वायर को आपको पॉजिटिव ए मानना पड़ेगा। सेक स्क्वायर अगर आपको दे रखा है, देखो ये दे रखा है सेक स्क्वायर, तो इसको आपको ए मानना पड़ेगा। इसमें किसको मानना पड़ेगा? कोसेक वाले को। कोसेक का जो कोफिशियंट है उसको आपको ए मानना पड़ेगा, उसको आप ए मानोगे तभी आपके पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस वाले एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। जैसे आपको ऊपर ही दे रखा, ठीक है, तो इसमें देखो कोसेक थीटा, इसको तो आप मानोगे ए और इसको आप मानोगे बी। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आएगा, तो इसका जो कोफिशियंट है वो ए होगा, इसका कोफिशियंट कितना होगा? ए होगा, तो इसको आप मानोगे इसमें एक्स, और फिर आपका जो रिजल्ट यहाँ पर जो आएगा वो क्या आएगा? वाई आएगा। तो अब आपके पास में ए और बी की वैल्यू आ गई। बताओ ए का मान कितना है? चार, तो चार का स्क्वायर 16 माइनस बी, बी का मान कितना है इसमें? पाँच है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो 25 इक्वल एक्स, एक्स का मान कितना है? सात, इसका स्क्वायर कर दोगे 49 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये माइनस का 9 और ये 49 माइनस का वाई स्क्वायर, तो माइनस का वाई स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये इधर क्या 49 है, माइनस का 9 इधर आएगा तो प्लस का, तो कितना हो जाएगा? 58 है। तो आपको वाई का मान निकाला, तो वाई का मान हो जाएगा प्लस माइनस √58, यानी इसका मान हो जाएगा प्लस माइनस √58। तो इसको आप नोट कर लें। देखो आपको समझना पड़ेगा इसके अंदर कि हम ए किसको मानेंगे, बी किसको मानेंगे। तो इसका मान आएगा प्लस माइनस √58 है। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो कि जब आपने यहाँ पर कोसेक थीटा के कोफिशियंट को यहाँ पर ए मान लिया, तो आप कोसेक थीटा कोफिशियंट यहाँ पर 5 है तो इसको ए मान लो। तो क्या हम इसको ए मान सकते हैं? क्या इसको भी मान सकते हैं? क्या दिक्कत है? अगर हम इसको मानकर करना चाहें तो इससे भी कर सकते हैं। अगर हम इसको ए मानना चाहें तो इस बार इसको मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर हमारे पास में ए बराबर है 5 है, तो बताओ बी बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जिसमें आप इसको ए मान रहे हो ना, तो उसमें सामने वाले को आपको एक्स मानना पड़ेगा। अब आपको यहाँ पर एक्स इसको मानना पड़ेगा और आपको वाई इसको मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको अब इसमें से ये माइनस करना है, अब आपको इस वाली इक्वेशन में से माइनस करना है ऊपर वाली, तो आप इसको अब एक्स मानोगे। अब आप इसको क्या मानोगे? एक्स है, तो एक्स का मान तो आपसे पूछा है इसमें, और आपको वाई का मान आप दे रखा है 7 दे रखा है, तो फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 इक्वल एक्स स्क्वायर का मान आपको निकालना है माइनस वाई स्क्वायर 49। तो आप यहाँ से इसको भी कर सकते हो, तो यहाँ से आ जाएगा 9, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 49 और एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा? 58। ये प्लस माइनस में, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, यानी आपको रटना नहीं है कि हमें सिर्फ वैसा ही है,
जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे ना आपको उनको अप्लाई करना है। आप ए और बी इसमें कोसेक थीटा के कोएफिशिएंट को मानो, चाहे ऊपर वाले में मानो चाहे नीचे वाले में, लेकिन जिसमें भी मानते हो एक इक्वेशन में मानना इसको। ऐसे नहीं है कि आप ऊपर भी मान रहे हो नीचे भी नहीं, एक ही इक्वेशन में मानो और जिसमें मानते हो उसके इक्वल आपको एक्स रखना है। हमने इस बार इसमें माना है ए बी तो इसके इक्वल एक्स रखा, पहले ऊपर वाले में माना था ए बी तो उसके इक्वल हमने क्या रखा था एक्स रखा था, और दूसरा हो जाएगा वाई। तो इसको आप नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। देखिए अब मेरी बात सुनिए आप आराम से, हम क्या पढ़ रहे थे, हम इसके अंदर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जिससे डायरेक्ट पर्सन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है। एक तो हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला, तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो आपको मैं रिवाइज भी करवा चुका हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था, एक तो मैंने आपको बताया था कि ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अगर आपको दे रखा सी दे रखा है, और इसमें जो ए बी सी, ए बी सी क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। तो अगर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट हैं तो आपके पास में ये वाली इसको डिवाइड कर देते सी से, इसको डिवाइड कर देते सी से, इसको डिवाइड कर देते सी से, तो ये वाली जो वैल्यू आपके पास में हो जाएगी वो तो हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू, और ये वाली जो आपके पास वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी कोस थीटा की। यहाँ पर आपके पास में मान आ जाएगा वन आ जाएगा, यानी यहाँ से आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट लिख सकते हैं कि आपके पास में साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए अपॉन सी, और यहाँ से आपके पास में कोस थीटा बराबर हो जाएगा बी अपॉन सी। ये चीज़ मैंने आपको बता भी दी थी और डिराइव करके भी मैंने आपको बताया था कि कैसे ये पॉसिबल होता है, ठीक है। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा था, एक तो ये वाला होगा, एक पढ़ा था हमने ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर आपको दे रखा सी, ठीक है। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर अगर आपको दे रखा सी दे रखा, अब इसके अंदर क्या करेगा, कोफिशेंट को चेंज कर देगा, और इसमें क्या कि साइन भी चेंज होता है, सिर्फ साइन व कोस वाले में होता बाकी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको ले लेते, चलो बी को आगे ले लेते, बी के साथ में क्या है कोस थीटा, आप साइन ले लेंगे साइन थीटा और साइन कर देंगे माइनस का, और यहाँ पर ए के साथ में यहाँ पर क्या था साइन थीटा, तो कोस को ले लेंगे और इसका मान मान लेते हैं डी मान लेते हैं। और जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखे, इसको आप चेंज भी कर सकते हो, मैंने आपको बताया था, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखे ना तो आपको समझ में आ रहा होगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे भी लिखे आप इसको, चाहे आगे लिख लो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हम इस बार क्या है ए कोस थीटा को पॉजिटिव ले लेते हैं और बी साइन थीटा को नेगेटिव ले लेते हैं, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, बात सेम ही है। यानी एक कंडीशन तो आपको ये वाली दे देगा और दूसरी इन दोनों में से एक दे देगा, तो इसका जो डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको बताया था वो क्या बताया था, मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और इन दोनों में से या तो आपको ए बी का मान आपको देगा और सी और डी में से एक वैल्यू दे देगा, दूसरे आपसे पूछ लेगा। और आज की जो पहली क्लास, सॉरी पहला जो प्रश्न था ना आज का, वो यही तो था प्रश्न, था आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या था 17/13, ये तो था। तो उसमें ए और बी का मान कितना आया था हमारा 1 1 आया था, तो यहाँ पर हम लिखा था को ए का स्क्वायर 1 प्लस बी का स्क्वायर 1, अगर आपको याद है तो वहाँ से लिखा था 289/169, और डी की वैल्यू आपसे पूछी थी डी स्क्वायर। जो पहला एग्जांपल है ऐसा ही किया था हमने, तो इधर 2 - 281/169 है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आया था इसमें 338 आया था, तो 7/13 इसका आंसर हमारा आया था अगर आपको याद है तो। पहला एग्जाम्पल आज हमने यही किया था, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको दो कॉन्सेप्ट और बचे वो लिखवा देता हूँ। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट तो ये हो गए हैं, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सर्वसमिका भी पढ़ चुके हैं, ये इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है, तो इनके बस साइन चेंज कर देता है। और अब देखिए दूसरा, देखिए इसके अंदर अब है कि ए सेक थीटा माइनस बी टेन थीटा बराबर दे रखा एक्स दे रखा है, तो यहाँ पर माइनस दे रखा तो नीचे भी माइनस लेना है, बस इसको चेंज कर दो। तो इस बार क्या कर देंगे, बी सेक थीटा माइनस ए टेन थीटा कर देंगे, क्या करना है बस यहाँ पर सेक थीटा के साथ में ए था तो इस बार सेक थीटा के साथ में बी ले लेंगे, यहाँ पर टेन थीटा के साथ में बी था तो इस बार टेन थीटा के साथ में ए ले लेंगे, और आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप ए स्क्वायर ए टेन थीटा को आगे लिख सकते हैं और इसको आप इधर लिख सकते हैं, माइनस में लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके इक्वल अगर आपने माना है वाई,
ऐसे ही इसमें मैंने आपको दूसरा ही बताया था, क्या बताया था कि अगर आपको ए कोसेक थीटा माइनस बी कोट थीटा बराबर अगर आपको दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो आज इसको चेंज कर दो आप, तो आप क्या आ जाएगा बी कोसेक थीटा माइनस ए कोट थीटा बराबर आपको दे रखा वाई है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था, वो रिजल्ट क्या लिखवाया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और सेम यही वाला रिजल्ट मैंने आपको एक और में लिखवाया था, वो भी आपको लिखवा देता हूँ, साथ ही लिखवा देता हूँ इसी के अंदर। तो वहां पर मैंने आपको क्या लिखवाया था, लिखवाया था कि इस यहाँ पर माइनस माइनस वाला है ना, तो प्लस वाला था इसके अंदर, कि ए सेक थीटा प्लस बी टेन थीटा बराबर अगर आपको दे रखा है एक्स दे रखा है, तो इसमें वो चेंज कर देगा, तो क्या कर देगा ए टेन थीटा प्लस बी सेक थीटा बराबर वाई। और इधर इसमें क्या करेगा ए कोसेक थीटा प्लस बी कोट थीटा बराबर है एक्स है, तो बस इसे कोफिशिएंट चेंज कर दो, इसमें कोट आ जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का ही रहेगा, साइन चेंज इसमें नहीं होगा, और ये हो जाएगा वाई। तो इसका जो रिजल्ट है वो भी आपके पास में सेम यही आएगा, इन चारों का रिजल्ट आपके साथ में यही आएगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इन चारों का जो आपके पास में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ये कैसे होते हैं मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। सर्व समीकरण तीन है, तीनों की सहायता से ये होते हैं। और दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन ए प्लस बी है, साइन ए माइनस बी है, टेन ए प्लस बी है, टेन ए माइनस बी है, और इनके ऊपर डायरेक्ट भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी पिछले दो तीन जो एग्जाम हुए उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न पूछे हैं, साइन ए प्लस माइनस बी है, या फिर कोस ए प्लस माइनस बी वाले पर पूछा है, या फिर उनके और भी फॉर्मूले होते हैं जैसे साइन टू थीटा या साइन थ्री थीटा है, और प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला भी होता है। तो वो सारे हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।